बाजार को देखते हुए लग रहा है कि आज खाली घर लौटना पड़ेगा, क्योंकि सब्जी के रेट इतने ज़्यादा है कि 20 रुपये किलो जो खीरा मिलता था उसके रेट 40 हो चुके, मतलब डबल का मार्जिन है। कि अब इसमें सब्जी वाला डबल कर रहा है या पीछे से हम डबल आ रहा है इसका तो पता नहीं, लेकिन इतना महंगाई का दौर है कि वो सब्जी वाले भी कह रहे हैं कि हम इतनी महंगी खरीद के ला रहे हैं कि बेचनी भारी पड़ रही है, कि रोजी रोजगार चलाए कैसे, कि घर की गृहस्थी चलाए कैसे, और हम कैसे सब्जी खरीद के ले जाएं। कोई भी सब्जी खरीदने चले जाओ 40, 50, 60, 80, 120 रुपये तक किलो की सब्जी है। एक किलो लेने के लिए घर में एक टाइम में 120 रुपये की सब्जी बनाएगा तो वो घर का चलाएगा कैसे। इस समय इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है सब्जी को लेते हुए कि अपने सब्जी खरीदने का ही मन नहीं बन रहा है। और दालें इतनी महंगी है कि 160, 170, 180 किलो रुपये किलो दालें बिक रही हैं कि सब्जी को खाएं दाल खाएं आदमी भूखा मरे क्या करे। हर सब्जी का रेट कम से कम 30 रुपये, 20 रुपये बढ़ा हुआ ही मिल रहा है पिछले हफ्ते से भी। पहले जो सब्जी लेते थे वो उसमें कितना आपको रेट बढ़ रहा दिखा दिया आपको? भैया 10% तो बढ़ा ही बढ़ा है हर सब्जी पे। किचन का बजट में क्या अंतर आया? किचन के बजट में तो भैया हर चीज में ही बढ़ गया है अब तो। किचन का बजट है मतलब बहुत महंगाई है। सारे सब्जी जो लगभग 15 दिन पहले के रेट में राज के में 1.5 गुना का इफाजा है, मतलब महंगी है 1.5%। और जो टमाटर पहले बिक रहा था 30-40 रुपये किलो, आज बिक रहा है 60 रुपये किलो। तो सब्जी इस तरीके से सारी सब्जी पे महंगाई बनी हुई है। क्या कारण मान रहे हैं कि तो सब्जी इतनी महंगी है, प्याज के रेट भी दाम नहीं चल रहे हैं? कारण ये है, एक तो मौसम की मार है सब्जी पे। मौसम की मार की वजह से 2-4 जगह जैसे कि अलवर राजस्थान में प्याज खराब हो गई थी, साउथ में खराब हो गई थी, 3-4 जगह प्याज खराब होगी। दूसरा जो प्याज पे जो ज़्यादा असर है, एक तो ट्रांसपोर्ट का असर है क्योंकि डीजल और पेट्रोल महंगे होने की वजह से गाड़ी के भाड़े बढ़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जो इसमें बड़े स्टोकर हैं वो प्याज को रोक के बैठ गए हैं, इसलिए प्याज पे ज़्यादा महंगाई बनी हुई है।